मुझे और ज्यादा खुशी मिलती अगर हम ये मैच जीत जाते, श्रेयस अय्यर। हैमिल्टन वनडे में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 347 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस लक्ष्य को देखते हुए सभी को लग रहा था कि भारत आसानी से इस मैच को अपने नाम करेगा, लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत न्यूजीलैंड ने 348 रन के विशाल लक्ष्य को 48.1 ओवर में 6 विकेट रहते हासिल कर लिया। परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते रहना पड़ता। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 107 गेंदों पर 103 रन का एक शानदार शतक बनाया था। हालांकि उनकी यह पारी बेकार गई है। श्रेयस अय्यर ने 16 मैचों में अब तक एक शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 48 से अधिक की औसत से रन बनाकर मध्य क्रम में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा नहीं है कि भारत ए के लिए मैंने हमेशा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की। परिस्थिति के अनुसार आपको अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते रहना पड़ता है। मुझे तीसरे से पांचवें स्थान के बीच बदलाव करना पड़ा था। हमें वह अच्छा अभ्यास मिला, इसलिए आप हालात के आदी हो जाते हैं। निजी तौर पर भारत ए के मैच मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि जब भी मैं वहां जाता था तो तय करता था कि इसका बेस्ट फायदा उठाऊं। खिलाड़ी और माहौल शानदार था, क्योंकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। जीत मिलती तो अच्छा होता, श्रेयस अय्यर ने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा। मैं अपनी इस पारी से काफी खुश हूँ, लेकिन मुझे और ज्यादा खुशी मिलती अगर हम ये मैच जीत जाते। ये मेरा पहला शतक है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले मैच में टीम को जीत मिले। पिच और विकेट के बारे में उन्होंने कहा कि पहली पारी में गेंद रुककर आ रही थी और पिच पर असमान उछाल नहीं था। इसके बाद हमने बड़ी साझेदारी करने का फैसला किया। दूसरी पारी में विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान हो गया था। गेंद बल्ले पर आ रही थी और ओस ने भी इस मैच में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें कोई शक नहीं है कि कीवी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और जीत का श्रेय उन्हें देना होगा। फ्रेंड्स, आपका श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।